बहुत अच्छा, इजी और छोटा सा चैप्टर था आप लोगों का, एंड आई एम श्योर कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज ओनली दैट वी हैव टू डिस्कस द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, बिकॉज दिस टाइम यू आर गिविंग द बोर्ड एग्जाम. तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. कम टू द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ बैक एक्सरसाइज, एंड आई वॉन्ट कि यू योर सेल्फ विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हाउ इट इज डिसाइडेड बाय द पर कैपिटा इनकम. यस इट इज राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया. आपने जो टेबल को स्टडी किया था वेयर देयर इज अ कंपेरिजन मेड बिटवीन द एशियन कंट्री, वहां पर विच कंट्री इज हैविंग द बेटर परफॉर्मेंस. यस यू आर राइट, श्रीलंका. थर्ड क्वेश्चन इज थिंक दैट देयर आर फोर फैमिलीज इन अ कंट्री और उन चारों फैमिली की पर कैपिटा इनकम 5000 है, पर कैपिटा इनकम. लेकिन यू नो दैट कि इनकम सबकी अलग अलग होगी, ठीक है ना. आपको अभी तक बिल्कुल पता लग गया होगा कि पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं. इफ द इनकम ऑफ थ्री फैमिली, तीन फैमिली की इनकम इतनी है 4000, 7000, 3000, तो फोर्थ फैमिली की इनकम कितनी होगी. पहले आप तीनों फैमिली की इनकम को ऐड करेंगे. जब आप तीनों फैमिली की इनकम को ऐड करेंगे तो यू गेट द आंसर 14000 और पर कैपिटा इनकम कितनी दी थी 5000, है ना. एक फैमिली की उसके अकॉर्डिंग थी 5000 एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम. दैट मींस टोटल इनकम कितनी हुई 20000, है ना. तो अभी जो आपका आंसर आया, जो आपने तीनों फैमिली की इनकम को ऐड किया था 14000, इट विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 20000 एंड द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली विल बी यस 6000. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज एंड व्हाट आर द लिमिटेशन. दैट क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि वर्ल्ड बैंक ने क्या क्राइटेरिया चूज किया है सारी कंट्रीज को लाइक क्लासिफाई करने के लिए, कौन सी डेवलप्ड है कौन सी अंडर डेवलप्ड है. वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि वर्ल्ड बैंक ने रिच इनकम कंट्री लो इनकम कंट्री को कैसे डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द यूएस डॉलर और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम. उसके लिमिटेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि इससे हमें इंडिविजुअल इनकम क्लियरली पता नहीं चलती है. जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देखा था कि पर कैपिटा इनकम इज गिवन 20000, लेकिन उससे हमें पर कैपिटा इनकम इज गिवन 5000, लेकिन इंडिविजुअल इनकम सबकी अलग अलग थी. ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आपको मार्क भी करवाया था. क्वेश्चन नंबर फाइव इज इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वर्ल्ड बैंक. ये आप यहाँ पर पूरा आंसर लिखेंगे. ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि यूएनडीपी ने क्या क्राइटेरिया यूज किया है अपार्ट फ्रॉम द पर कैपिटा इनकम. अदर इंडेक्स लाइक लिटरेसी रेट, हेल्थ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो अदर इंडिकेटर है ऑल्सो बीन यूज बाई यूएनडीपी, ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यूएनडीपी का अलग से किया था. अभी ऊपर वाले में भी आपने लिखा है, ठीक है ना. तो यू कैन मेक अ कंपेरिजन बिटवीन द डिफरेंट वेज यूज बाई यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक. नाउ नेक्स्ट इज वॉट इज एवरेज. एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज आपका यही आ जाएगा लाइक जैसे कि आपने पर कैपिटा इनकम अभी निकाला था. एवरेज के लिए मैं आपको बता रही हूं, एवरेज इज फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्री, टू पर्सन और टू थिंग. तो एवरेज के लिए भी यहां पर वही लिमिटेशन आ जाते हैं जो आपने लिमिटेशन अपने क्वेश्चन नंबर फोर में लिखे थे, ठीक है. एक को हम किसी बेस पर बेस्ट कह सकते हैं, एक को हम किसी और क्वालिटी के बेस पर बेस्ट कह सकते हैं. किसी के अंदर कुछ बुराई है तो किसी के अंदर कुछ बुराई है, जैसे आपने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल पढ़ा था. तो यहां भी आपकी वही लिमिटेशन आ जाएगी कि एक्यूरेट डाटा हम लोगों को नहीं मिलता है. क्वेश्चन नंबर सेवन, केरला विद अ लो पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र. ये क्वेश्चन मैंने आपको ड्यूरिंग द वीडियो करवा दिया था. कम टू द क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी
दैट इज यूज्ड बाय द पीपल इन द कंट्री, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो हमारी कंट्री में यूज किए जा रहे हैं। तो एज सच इसका डायरेक्ट आंसर आपको अपने चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो आपने प्रीवियस क्लासेस में बड़े अच्छे से पढ़ा है दो तरह के पावर सोर्सेज हैं जो हम यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में जो हम काफी लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेंशनल जिनको हमने रिसेंटली डिस्कवर किया है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। एंड नेक्स्ट इन द सेम क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, ये आगे अभी होने वाले समय में क्या होगा। जैसे कि हमने लास्ट पैरा में पढ़ा था कि दीज रिजर्व इन द कमिंग लास्ट ईयर दे विल बी एंडेड, तो ये जल्दी ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये एक आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आप मिनरल रिसोर्सेज के बारे में काफी कुछ जानते हैं और लास्ट पैरा में से आप कुछ कुछ लाइनें यहां से निकाल कर भी रख सकते हैं। लाइक नॉन द रिसोर्सेज विल बी एग्जॉस्टेड इफ यू आर यूजिंग देम कॉन्टिन्यूसली विद दिस स्पीड, तो यहां पर हमें इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। नाउ एज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये भी वहीं से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन आ गया है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स फॉर द कमिंग जनरेशन देयर विल बी नथिंग टू यूज, और हमारा जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन है वो रखा का रखा रह जाएगा। जब लोग नहीं होंगे तो डेवलपमेंट किसकी और किसके लिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट सो एज फॉर द एग्जिस्टेंस और पॉसिबिलिटी और कंफर्टेबिलिटी ऑफ द कमिंग जनरेशन। दिस क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थ हैज एनफ टू मीट द नीड ऑफ ऑल, हमारी अर्थ पर सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए है लेकिन किसी की ग्रीडीनेस लालच को पूरा करने के लिए नहीं है, तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन यू कैन सी कि सारे मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां पर भी मैं सिर्फ यही बात कहूंगी कि रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सिस इट विल ब्रिंग द एग्जॉस्टेशन एंड द डैमेज फॉर द एनवायरमेंट, द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑल द कंट्रीज विल बी हैम्पर्ड, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल और मिनरल खत्म हो जाएंगे विच ब्रिंग द डेवलपमेंट, तो अगर ये चीजें ही खत्म हो जाएंगी तो डेवलपमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो तीनों का आपका सिमिलर आंसर आएगा लगभग, और एक तरह से आप देख सकते हैं कि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो यहां पर ये नहीं है कि इसका आंसर भी सेम है इसका भी सेम है, तो ऐसे सेम आंसर वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, इनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। तो यू कैन राइट डाउन ऑलमोस्ट द सिमिलर आंसर ऑफ ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस 8, 9 and 10। द रेकलेस यूज ऑफ मिनरल इट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ द नेचर, वी नीड टू यूज अ वेरी स्मार्ट यूज ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, मेनी पॉइंट यू पीपल कैन राइट डाउन, क्योंकि इट इज अ वेरी करंट टॉपिक जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कहां आपको दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो यहां पर आप एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, पीपल थ्रोइंग गार्बेज, समटाइम पीपल आर यूरिनेट इन द ओपन एरियाज, तो ये सारी चीजें, एमिशन ऑफ स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फ्रॉम द व्हीकल, सो देर आर मेनी पॉइंट यू पीपल कैन राइट डाउन बिकॉज यू आर सीइंग ऑलरेडी द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अराउंड यू। Now, it is question number 12 में, from each of the item given in table 1.6, find out which country is at the top and which country is at the bottom. आपकी बुक में ही था, हम लोगों ने देखा था श्रीलंका इज एट द टॉप, नेपाल इज एट द बॉटम, ठीक है, तो यहां पर से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था आप लोगों का, और इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस किए हैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, बिकॉज आई डोंट वांट कि बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। तो ईच एंड एवरी लाइन वी हैव रीड एंड डिस्कस्ड, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि यू आर क्लियर्ड ऑल एंड ईच एंड एवरी थिंग वेरी नाइसली अबाउट द कंसेप्ट। सो कीप रीडिंग, टेक केयर, गुड बाय।